खबर है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के थाना भदोकर क्षेत्र के पकड़ा गिरफ्तार में चुनावी रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंग ठाकरों ने दलित प्रधान अयोध्या प्रसाद के समर्थक अमन मौर्या को जमकर पीटा। पूर्व प्रधान अनुरुद्ध सिंह और उनके परिजनों की बड़ी पकड़ होने के कारण पुलिस कार्रवाई के नाम पर ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मदद के लिए जब ग्रामीणों ने न्याय मांगा तो प्रशासन दबंगों के आगे नतमस्तक दिखा। मदद के लिए जब ग्रामीणों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर दिल्ली किशोरी शर्मा तक बात की, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। पुलिस ने जिन ग्रामीणों को यहां पीटा उन्हें थाने में बंद कर रखा है, साथ ही उनकी पिटाई का आरोप भी है जिन्हें दलित दबंगों ने पीटा था। गौरतलब है कि हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस अपराध में नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान अनुरुद्ध सिंह अपने पुत्र पुरुषोत्तम सिंह, विक्रम सिंह और पिंकू सिंह ने मिलकर अमन मौर्या की पिटाई की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने न्याय तो नहीं किया, लेकिन ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के बाद चोट खाए ग्रामीणों को उठा ले गई, जिनका पुलिस ने इलाज तक नहीं कराया। भैया को मारा है, को मारा अच्छा कहाँ जा रहे थे आप? चप्पल लाने जा रहे थे, हमारे पास चप्पल नहीं था। अच्छा तो कहा रुको रोकिस आपका को रोकिस बिक्के सिंह पहले रोकिन जने आगे बंदूक बंदूक लेके हमारे लाते थे। और गाड़ी कहाँ तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी में तो डाले नहीं हुए। अच्छा तो सुनो भैया, सूरज भैया एक बार लिखो एप्लीकेशन लिखो भैया, देख लो पूर्व प्रधान भैया हमारे लोगन का भैया, हमारे लोगन के आदमी साथ का भैया मारा थे, गोली से फायर भी करी नहीं पिंकू सिंह भैया। और पुलिस भैया आई है लेकिन पुलिस का कोई नहीं, रोज पुलिस आवत ही पंचन के साथ पुलिस रहती। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है भगवान से और मैं सभी पुलिस अधिकारी से कि साहब भैया पर हम लोग रोज आए दिन ये लोग परेशान करे थे, हम लोग मारे जाए थे और वही के बावजूद सर पुलिस नहीं सुनती। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।